जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है। तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? कहूंगा, मैं कहूंगा, बताइए, कहूंगा। इतने देरी क्यों कर रहे हैं आप? क्या बचाने क्या वो इतने परेशान हो रहे हैं? तालिबान टेररिस्ट है, तालिबान आतंकवाद है। वहाँ आपको पता है कि लेडीज के साथ रेप होते खुलेआम सड़क में। तो भारत का संविधान नहीं शरिया पसंद है तो चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ अफगानिस्तान। अगर चाहिए तो पहिए पर लटक के जाओ या भेजेंगे सरसम्मान। मैं क्यों चुप रहा हूँ? भारत ने क्या दिया, क्या दिया? अरे खाते इस देश का है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। अरे भैया, नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। ये देश है हमारा के इस खास एडिशन में आपका बेहद स्वागत है। आज मुझे ध्यान में आता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यानी अगर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपका शत्रु हो जाए तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी हरकतों का आप पर गहरा असर पड़ता है और हो सकता है। हिंदुस्तान दशकों से पाकिस्तान नाम के नासूर को लगातार झेल रहा है और अब अफगानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान किसी भी बाहरी शत्रु से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन उनका क्या करें जो रहते तो यहां हैं लेकिन उनके दिल में तालिबानी सोच बसती है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कई लोग खुश होकर ताली पीटने लगे, तालिबानी सोच की वकालत भी की गई और तालिबानी फैसलों को यहां भी लागू करने की पैरवी शुरू हो गई। ये लोग तालिबान के उस नर्क का समर्थन कर रहे हैं जिससे भागने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, यानी मर मिटने को भी तैयार हैं। सवाल यह है कि अगर तालिबान इतना ही अच्छा लगता है तो क्या उसका समर्थन करने वाले लोग अफगानिस्तान में बसने की सोचेंगे? जवाब है नहीं, ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या वजह है कि ये हमारे खुशनुमा माहौल में, हमारे देश के खुशनुमा माहौल में तालिबानी सोच घोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? आज मैं सबूतों और गवाहों के साथ इन तमाम लोगों की पोल खोलूंगा। आज मैं एक ऐसी सार्थक बहस करने जा रहा हूं, एक ऐसी सार्थक चर्चा करने जा रहा हूं जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। तालिबान में कौन तलाश रहा है एक बड़ा मौका, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। बीस साल बाद इंसानियत के दुश्मन तालिबान ने अफगानियों की आजादी फिर छीन ली। चारों ओर दहशत, चीख पुकार और हाहाकार का मंजर दिखा। ये तस्वीरें अमेरिका समेत दुनिया के उन तमाम देशों को मुंह चढ़ा रही हैं जो खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हैं। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराना नाता है, लिहाजा अफगानिस्तान के दर्द को हर भारतीय महसूस कर रहा था। लेकिन इसी बीच भारत में कुछ लोगों का तालिबान प्रेम जाग गया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, फिट जाओ, क्योंकि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया पत्थर लेके वापस जाना पड़ा। इन बयानों को सुनकर हैरानी होती है, आखिर ये किस सोच को आगे ले जाने की बात हो रही है? अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है।
इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार, वैल्यूज। जो लोग तालिबान 2.0 को मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये तस्वीरें आंख खोल कर देख लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेडीज के लिए दिक्कत है, जो गवर्नमेंट पे काम करती है उन लोगों के लिए दिक्कत है, जो न्यूज में काम करते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है, पुलिस में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। सारी जगह को तालिब ने घेर लिया है, औरतों के घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, तालिबानी आदेशों ने भी साबित किया है कि जहरीला सांप कभी अमृत वर्षा नहीं करता। तालिबान के दम घोटने वाले फैसले, महिला टीवी एंकर पर रोक लगाई, महिलाओं को बाहर काम की इजाजत नहीं, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगाई, पुरुष शिक्षक लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी को तालिबान की शिक्षा नीति इतनी पसंद आई कि उन्होंने लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में भेजने की पैरोकारी शुरू कर दी। तालिबान जैसे जंगल राज की पैरोकारी आखिर कैसे की जा सकती है? ये कैसी मानसिकता है जो दूसरों की आजादी और सुकून छिन जाने से खुश होते हैं? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक बहस। जो लोग तालिबान को रिफॉर्म्ड वर्जन बता रहे हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल विश्लेषण तैयार किया है। यकीन मानिए ये विश्लेषण उन तमाम लोगों के लिए आईने से कम नहीं है। खूब शोर मचाया गया कि तालिबान 2.0 पुराने वाले से अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करता है, लेकिन अब धीरे धीरे असलियत आप सबके सामने, हम सबके सामने आ रही है। कहा गया था कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनकी शिक्षा और कामकाज में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। महिलाओं को घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। कहा गया कि बच्चियां तालिबान 2.0 में बहुत सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अब रोज खबरें आ रही हैं कि नाबालिग बच्चियों को जबरन तालिबान के आतंकी उठाकर ले जाते हैं। कहा गया था कि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे, तालिबान बदले की भावना से काम नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका की मदद करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। यह सच्चाई है। मीडिया की आजादी के दावों की भी हवा निकल चुकी है। जोर शोर से किए गए ये दावे अब पूरी तरह से झूठ साबित हो रहे हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबानी नेता का एक इंटरव्यू करने वाले पत्रकार की पीठ पर AK-47 तान दी गई, पीछे AK-56 खड़ी थी। ये सब कुछ सत्य के सत्य है। तो आज इसी पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा कि तालिबानी सोच में, तालिबान के अंदर आखिरकार कौन मौका ढूंढ रहा है। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है आपको बता देता हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में लंबे अरसे बाद स्टूडियोज में मौजूद है मेरे साथ चार मेहमान। इनका दिल खोल के जोरदार तरीके से स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, चर्चा करेंगे। मेरे साथ तस्लीम रहमानी मौजूद है, MPCI के अध्यक्ष। मेरे साथ IMF के और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है, आपका भी अभिनंदन है सर, शोएब जमाई साहब। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं इस समय चर्चा के अंदर, जिन्होंने तालिबान की स्थिति को देखा है आज से 20 साल पहले, और वो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो आप लोगों का भी अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा निवेदन है कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम बातें करनी चाहिए, लेकिन तालिबानी सोच का समर्थक क्या इंसानियत के दायरे में हो सकता है? डॉक्टर संबित पात्रा, सीधा सवाल यह है। नसरुद्दीन शाह ने भी बोला और हमने नोमानी साहब को भी सुना, उन्होंने क्या बोला था,
जमीयत उलमा हिंद के मुखिया ने भी क्या बोला वो सब कुछ हमारे सामने है, सपा सांसद ने क्या बोला वो भी हमारे सामने है। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके चैनल का अभिनंदन करूंगा, जिस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आपने बहुत लंबे अरसे बाद आज यहां पर अफगान बंधुओं के साथ आपने ये डिबेट रखा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए अमीश जी, आपका मुख्य प्रश्न था कि क्या इंसानियत के दायरे में हम तालिबान का जो राज अफगानिस्तान में स्थापित हुआ है उसका स्वागत कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं और कहता हूं, हम कौन हैं? सबसे बड़ी जो होती है वो जनता होती है। अफगानिस्तान की जनता क्या स्वागत कर रही है? अफगानिस्तान की जनता जो भारत की जनता के साथ बहुत नज़दीकियां हैं, हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक विरासत है अफगानिस्तान के साथ। आपने जो दृश्य देखे हैं कि फ्लाइट के आगे, प्लेन्स के आगे हजारों की तादाद पे लोग भाग रहे हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, किस प्रकार महिलाएं अपने भविष्य को लेकर वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, और तो और जघन्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि प्लेन के ऊपर से हेलीकॉप्टर में कोई लटका हुआ है, प्लेन के ऊपर से कोई कूद रहा है, वो मर जा रहा है। इस प्रकार के दृश्य 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिले थे। ये दिल को दहलाने वाले दृश्य हैं। और याद रखिए, ये जितने भी लोग भाग रहे थे ये भी इस्लाम को मानने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। और तालिबान का जो मुख्य उद्देश्य शरिया को लाने का था, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो शरिया को बार बार प्रमोट करते हैं, मेरा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, किंतु जो मुख्य विषय है कि जो लोग भाग रहे थे वो भी शरिया से बच रहे थे और वो मुसलमान ही भाग रहे थे, कोई हिंदू और सिख भागते हुए नजर नहीं आए थे। तो आज सोचने की आवश्यकता है, मगर आज मुझे आपत्ति इस बात की है कि हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग, अभी आपने बाइट चलाया है, नुमानी साहब जो कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बहुत जाने माने सदस्य है, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, हिंदू हिंद के मुसलमान। मैं हिंदी मुसलमानों के तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, आपको स्वागत करता हूं कि तालिबान ने आज, पर नसुद्दीन शाह ने इसका काउंटर भी कर दिया। नहीं, नसुद्दीन शाह को बाद में लाते हैं, नसुद्दीन शाह कोई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है, ये वही नसुद्दीन शाह है जिन्होंने कहा था मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर लगता है, ये डर का माहौल है। आज वो कह रहे हैं यहाँ रेफ्यूजी आने चाहिए, अच्छी बात है, जो आज उन्होंने कहा है वो अच्छा है विषय, मगर कहीं ना कहीं बहुत देर कर दिया है उन्होंने, ये कहते कहते इन्हीं लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए डर का माहौल है। भाई साहब, अगर डर का माहौल है तो फिर आप आज यहां स्वागत क्यों करना चाहते हैं? नंबर दो, आप देखिए, चुने हुए सांसद बर्क साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लॉ मेकर हैं देश के, और ये कहते हैं कि ये जो तालिबान लड़ रहा है, ये जिस प्रकार हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे हमारे जाबाज सिपाही, ये भी उसी प्रकार आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या आजादी को कुचल रहे हैं? ये तो टेलीविजन चैनल में जो दृश्य आप दिखा रहे हैं यही बता रहा है, टेलीविजन चैनल में मौजूद हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, वो दृश्य मैं भुला नहीं सकता। दो बंदूकधारी तालिबान खड़े होकर के एक एंकर को कह रहे हैं कि आप बताइए, तालिबान से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, फीमेल एंकर्स का तो क्या हश्र हो रहा है वो आप देख ही रहे। बिल्कुल, आपकी बात स्पष्ट है। तो इसमें मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेमानी है अपने आप। जी शोएब जमाई, तालिबान में मौका कौन तलाश रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं वो नसुद्दीन शाह जिन्हें डर लग रहा था, जो खौफ ज़दा थे, जिनको जिनके परिवार को डर लगता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने का समय है, ये हमारे लिए, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये आपको पता है। क्या आपको लगता है कि जो लोग चीयर लीडिंग कर रहे हैं, जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान के, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है ये? नहीं, मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है कि भाई नसरुद्दीन शाह गुड नसरुद्दीन शाह है या बैड नसरुद्दीन शाह है, आप तय कीजिए। अभी उन्होंने बयान दिया तालिबान के खिलाफ तो वो गुड हो गए, और जब वो CANRC पे हमारा समर्थन कर रहे थे और जो मॉब लिंचिंग पे उन्होंने कहा तो वो बैड नसरुद्दीन शाह हो गए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अभी संबित भाई ने ये कहा, उन्होंने कहा था डर है, डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान, मैंने जवाब दे दिया, जनता समझ लेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अफगान की जनता स्वागत नहीं कर रही है, ठीक है, अफगान की जनता दो भागों में बटी, वहाँ कबायली उसका स्वागत कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, अर्बन, मैं इसका समर्थन करता हूँ, यहाँ जो बैठे हुए लोग, लेकिन कौन इनका स्वागत कर रहा है अफगान, ये तालिबान का, वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पूरे अगस्त महीने में आप क्या कर रहे हैं? आप स्वागत कर रहे हैं कि आप विरोध? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं तो भारत की सरकार के साथ हूं, उनके स्टैंड के साथ हूं। आपका अपना स्टैंड क्या है? मेरा भारत की सरकार का स्टैंड था कि सीए अच्छा है,
सर आपका स्टैंड था कि सी अच्छा नहीं है। संबित भाई बोल रहे थे, नहीं, मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूँ आपको, मत इंटरजेक्शन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत यहाँ से पूरे महीने जो है प्रेसिडेंट अध्यक्षता कर रहा था। अभी जो रिजोल्यूशन पास किया है भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन में तालिबान के फेवर में रिजोल्यूशन पास किया गया, और उस रिजोल्यूशन में कहीं भी टेररिस्ट वर्ड नहीं कहा गया है तालिबान के लिए। पहली बात, अमेरिका भी उसको कभी टेररिस्ट नहीं कहा, हमेशा इंसर्जेंट कहा, बागी कहा, ये कहा। दूसरी बात ये है, दीपक मित्तल जी दोहा में बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, क्यों बात कर रहे हैं अगर वो टेररिस्ट है? तीसरी पॉइंट ये है कि अगर वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में हमारा जो क्लॉज है उस यूएपीए में आप डालिए कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमसे मत पूछिए, सरकार का स्टैंड पूछिए कि उसको टेररिस्ट मानती नहीं मानती। ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए मोदी जी को और मोदी सरकार को कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और सरकार के मतलब सरकार का जवाब ले लीजिए, समझ पाता 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए, नहीं इसका थोड़ा वक्त लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश सुन भी रहा है। याद रखिए देश के लिए प्रायोरिटी क्या है, देश के लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है सिवा इसके कि पहले नंबर वन पे जो भारतीय जो हिंदुस्तानी नागरिक और जो हमारे मित्र वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में उनको सकुशल घर वापस लाया जाए। अधिकांश लोगों को घर लाया गया है, फिर भी हजारों की तादाद में मैं भी आराम से अमेरिका सर यहाँ से आप पहले इनसे बुलवा लीजिए फिर मेरे से बुलवाइएगा। महत्वपूर्ण विषय है, 3 हफ्ते में सिर्फ 400-600 लोगों को लेके आए। आपको भारत अच्छा नहीं लगता है, आप कह रहे हैं इंडिया को, तो आप अमेरिका में रहिए जाकर, कौन मना कर रहा है? कहीं नहीं रहा हूं सर, मैं आपके सरकार की पीठ थपथपाने पे कह रहा हूं। आप अब थोड़ी देर बोलिए, थोड़ी देर तालिबान थोड़ी देर शांति से पीठ थपथपाइए, मैं जवाब दे रहा हूं सर। बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है, पहले तो इस प्रकार से तालिबान के व्यवहार मत करिए। एक सेकंड की बात को रखिए, वो अपनी बात रख ले, जनता भी बोलना यहाँ पर हमारा सिंपल सवाल है। मेरा स्पेशल गेस्ट है हमारे अफगान आतंकी संगठन, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को आईना दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में असल में हो क्या रहा है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए पहली बात, 30 सेकंड, सरकार का प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को, अपने नागरिकों को किस प्रकार से पूरी तरह से इवैक्यूएट करके भारत लाए। जी जी, एक बात आप कान खोल के याद रखिए, बातचीत करना जो दोहा में हुआ है, बातचीत करना, नेगोशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना नहीं होता है। कंधार के विषय में भी हाइजैकर से बातचीत हुई थी, उसका अर्थ यह नहीं हुआ था कि हमने आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज कर दिया था। नेशन में कैसे आपने रिकॉग्नाइज कर दिया? आप ऐसे हर जगह बीच में बोलते हैं क्या? नहीं सर, आप बताइए ना, ये आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज किया जाए उसके लिए मरे क्यों जा रहे हैं? रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो, आप ये क्यों रिकॉग्नाइज करने के मरे जा रहे हैं भाई? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, बहुत ही गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। चिल्लाऊंगा नहीं, और अगर ये चिल्लाएंगे सबके बीच में, हर कोई चिल्लाएगा तो एक सार्थक डिबेट नहीं होगा। यहाँ आतंक मत फैलाइए, शांति से आप जनता से पूछ लीजिए, आप सार्थक डिबेट चाहते हैं या चिल्लाना चाहते हैं? बिल्कुल सब लोगों का विषय जाए। संबित पात्रा, आप अपने आपको कब तुरंत कंप्लीट कर लिया? तुरंत कंप्लीट नहीं होगा अमीश भाई, ऐसे अगर इनडिसिप्लिन बच्चे क्लास में होंगे कोई गोलमोल नहीं करेगा भैया। आप सीधा कहिए ना, तालिबान आतंकवादी संगठन है या मैं नहीं? कहूंगा, मैं कहूंगा, बताइए, कहूंगा। ने देरी क्यों कर रहे हैं आपके अब्बा जान है क्या? वो इतने परेशान हो रहे हैं अब्बा जान है क्या? आप बताइए ना, परेशान हो रहे हैं एकदम। तालिबान को बताओ, तालिबान को रुको, मैं तो कह रहा हूं कि वो आतंकवादी संगठन मानते हैं। आप क्या मानते हैं? आप आतंकी संगठन मानते नहीं मानते? मैं तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ। आतंकी संगठन नहीं मानते? एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी, लेकिन भारत सरकार उसको जो है यहाँ से नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कितना पतली गली से निकल रहे हैं है। मुस्कान जी, तालिबान क्या है? थैंक यू सर, जो मैं बोलती हूँ वो हमारे लोगों को पता है, हमको पता है कि तालिबान क्या है। तालिबान टेररिस्ट है, तालिबान आतंकवाद है, तालिबान कहाँ से आए हैं, तालिबान वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम के मजहब में बिल्कुल है ही नहीं, नहीं मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके बीच में भी बोलेंगे अब आपको जो इस्लाम में भी इनको मोदी जी दिखता है। जो जो अभी आप हमारे भैया बात कर रहे हैं उनके इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है। कहाँ इस्लाम ने कहा है कि औरत को, बच्चे को गोली मारा जाए? कहाँ पे? वो भी हॉस्पिटल में। कौन सा इस्लाम भाई? जो आपका इस्लाम वही मेरा इस्लाम, मेरा कोई अलग से इस्लाम नहीं। इस्लाम ने कहा, बोला है कि ऐसे करना है। आप मानते हैं इस्लाम में? जो आप मानते हो वही मैं मानता हूँ। मेरा कौन सा इस्लाम? आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। हाँ जी, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, ये कौन सा इस्लाम है आपके ओपिनियन में? ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लाम में ऐसे करे? मैंने सरकार से सवाल पूछा, यहाँ इस्लाम की बात नहीं है। नहीं नहीं, इस्लाम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है। हाँ जी, आप ये बताइए कि आप लोग वसंत विहार गवर्नमेंट पॉलिसी से मैं बता रही हूँ कि तालिबान टेररिस्ट है, वो पहले भी था और इसके बाद भी होगा। जी, तालिबान कौन है? तालिबान पाकिस्तानी है? वो आपको पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान टूरिस्ट है? पाकिस्तान कौन है? अफगानिस्तान की जनता जो बोल रही है। आपका बोला क्या? जनता नहीं मानता ये चीज के।
आपका झंडा, ये क्या, ये क्या लिखा है? ये आपके देश का झंडा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये आपके देश का झंडा, आपके देश के बात नहीं किया, आपके तालिबान से बात किया, तिरंगा के साथ बात किया, ये क्या लिखा है? तिरंगा मानता हूँ, ये क्या लिखा है? आप लोग क्यों नहीं मानते इसके? ओके शहजाद, आप अपनी बात को रखिए। शहजाद पूनावाला, प्रॉब्लम जो है, हम सोच को, जो तालिबानी सोच है उसकी पैरोकारी यहाँ पर चीयर लीडर की तरह जो लोग करते हैं, वो इस देश के लिए घातक इसलिए है क्योंकि जो तालिबानी सोच है वो पूरे इंसानियत के लिए खतरा है। बिल्कुल, देखिए अमीश जी, तालिबान एकमात्र एक वेरिएंट है, ओरिजिनल जो वायरस है वो दरअसल सोच है, और वो वायरस जो पनपा है वो पाकिस्तान में ही पनपा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहीं पर बैठे अफगानिस्तान के लोग आपको बता रहे हैं कि ये वायरस दरअसल पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है। पर दुख की बात ये है कि आज हम तालिबान के बचाव में कुछ लोग यहां पर खड़े हैं और जो तालिबान के पीड़ित हैं उनके साथ ऊंची आवाज में बात करी जा रही है, जैसे कि ये मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान केवल बंदूकधारी तालिबान है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहूंगा ये तालिबान नहीं है इंसान, दरअसल तालिबान इबलीस शैतान, पर देश में होता है कुछ लोगों के द्वारा इनका गुणगान। मैं कहूंगा इनको भारत का संविधान नहीं, शरिया पसंद है, तो चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ अफगानिस्तान, अगर चाहिए तो पहिए पर लटक के जाओ या भेजेंगे सहसम्मान, आप तय कर लो। पर सवाल यह पैदा होता है अमीश जी कि दो तीन बातें कहूंगा बहुत जी। देन रमानी साहब, यूएपीए के तहत बोको हराम को भी आतंकवादी संगठन भारत ने नहीं घोषित किया है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो यूएपीए की लिस्ट केवल उन लोगों के लिए है जो भारत की जमीन पर आतंकवादी हमला करते हैं, इसीलिए तालिबान हो सकता है हम लोगों के लिए तो सारे ही आतंकवादी है पर उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। पर आप एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि तालिबान के बारे में यूएनएससी रेजोल्यूशन नहीं है, यूएनएससी एक सेकंड, बीच में नहीं, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 तालिबान और अलकायदा को एक ही लिस्ट में रखता है, दोनों पर सैंक्शंस डालता है, इसका मतलब कि ऑलरेडी तय है कि तालिबान आतंकी संगठन है। पर कुछ लोग यहां पर बैठकर, और एक लोग यहां पर, मुझे शर्म की बात है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट किया, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ये ट्वीट करते हैं, अफगानिस्तान के लोग सुने। इन 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि एक क्रूसेड है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो आए, उन्होंने बॉम्ब किया, 20 साल बर्बाद किया, पर ये क्रूसेडर कभी भी 1400 साल तक हार नहीं मानता, हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ विदाउट फायरिंग अ बुलेट, दे विल नेवर सक्सीड वॉट एवर नेस्टी वर्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब ये अपने आप को तालिबान के साथ खड़ा पड़तवाते हैं। आज मैं आपको पूछता हूं कि आप इन अफगान के लोगों के साथ है या आप जिसको अस कहते हैं आप तालिबान के साथ? क्या मैं इनका सवाल का जवाब देने आया हूँ? नहीं, बिल्कुल, आपको तो जनता, मेरा सवाल अफगानिस्तान के लोगों से है, मेरा सवाल इस्लाम की तरफ से है, मेरा सवाल इंसानियत की तरफ से है, आप तय करिए आपकी जात की तरफ से है। मैं पहले इन सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तमाम लोग जो अफगानिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये 20 साल पहले आपकी उम्र मुझे देखने में 25-30 साल की लग रही है उमूमन, क्या आपको शरिया पसंद नहीं है? आप शरिया से बच के यहाँ आए, बोलिए नो, अगर नो है तो बोलिए कुल, ऐसा है आप शरिया से बच के आए हैं यहाँ? नहीं, अब आप इनको बोलने दीजिए, बहुत लंबी तक बोल रहे हैं, हमारे सर पे दुपट्टा है और दुपट्टा यही साबित करता है कि हमें शरिया पसंद है, लेकिन ऐसे शरिया हमें नहीं चाहिए कि मर्द हमें मारे, मर्द हमें बोले घर से मत निकलो, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये लोग ये फरमा रहे हैं, मुझे बात पूरी करने दीजिए, अमीश जी आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, सवाल शरिया नहीं है, शरिया का ठेकेदार तालिबान है। ठीक है, ओके, मेरा ऑडियंस से भी निवेदन है कि अपनी टर्न पे बोले। ये आप देखिए, मैं आधे घंटे 20 मिनट से सुन रहा हूँ, 16 मिनट तो प्रोग्राम शुरू हुए, जी 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 16 मिनट से सुन रहा हूँ, चलिए मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन तमाम लोगों से पूछा कि आप शरिया से बच के आए हैं, ये कह रहे हैं शरिया से नहीं, एक्सट्रीमिज्म से बच के आए हैं। जी, एम आई राइट? ओके, शरिया हमारे जो दोस्त हैं मोदी जी के आने के बाद, सऊदी अरब शरिया वाला देश है, यूएई शरिया वाला देश है, हमारा ये कुवैत शरिया वाला देश है, हिंदुस्तान को भी शरिया वाला देश बना दे, ईरान शरिया वाला देश है, तो चाहते क्या है? हमारे दोस्त हैं, इसलिए आप इस मामले में शरिया को ना लाइए। मेरा पहले दिन से स्टैंड है, ये सीरियस भी है इशू, सेंसिटिव भी है। ये देश हमारा चूंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर ना होने के बावजूद
फार नेबर है अफगानिस्तान, लेकिन आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, आप जैसों के लिए नसरुद्दीन शाह ने बोला है, जरा सुस्को भी सुनिए, अफगानिस्तान का इंपैक्ट होना है, इसलिए मुझे ये सोचना है कि मेरे देश पे उसका इंपैक्ट होना है, वो इंपैक्ट क्या होगा। नहीं, वहाँ पर जो हजारों लोग अभी तक मौजूद हैं, उनका इवैक्यूएशन तक कर पाए, $3 का जो स्टेक है, ये हमारे सवाल आते हैं, उस पे बहस करने के बजाय आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करना चाहते हैं, मुसलमान वाली डिबेट यहाँ छेड़ना चाहते हैं, शरिया की डिबेट छेड़ना चाहते हैं, आप रीजनल जो पीड़ित कर रहे हैं वो भी मुसलमान है, जो पीड़ित है वो भी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इशू है। सर, मैं आपको मौका दूंगा, अभी मेरा बहुत समय है। रेवानी साहब, पार्टी कांग्रेस हिंदू रेवानी साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, देखिए मेरा निवेदन स्वीकार करिए, स्टूडियो में बड़े दिनों बाद वापसी हुई है, जी जी जी। देखिए अमित जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, दो विषय मुझे खटका यहाँ, बार बार उन्होंने एक ही विषय पूछा, क्या आपको सरिया से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या सरिया के डर से यहाँ आए। यहाँ एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, सरिया तो ठीक है, हिंदुस्तान में भी सरिया लाया जा सकता है, और देखिए बार बार यहाँ रहमानी साहब पूछ रहे थे हमारा जो इतना बिलियन डॉलर का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखा उसका क्या होगा। आपको क्या लगता है, दोनों बगल में जो मेरे भाई खड़े हैं इनको वो इन्वेस्टमेंट की चिंता हो रही है? कोई चिंता नहीं हो रही, अगर तालिबान भी देख रहा होगा तो रिक्रूटमेंट के लिए सोच रहा होगा। आप किस बुनियाद पे सर, मैं आपके बीच में इस प्रकार का बिहेवियर जिसमें दूसरों को बोलने नहीं दिया जाएगा और ये बोलेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है। आप बताइए, मैं शांत बैठा हूँ, आज मैं डिबेट में बोलता ही नहीं, यहाँ पर दोनों मिलकर चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, ये मुझे बोलने, मैंने इनके समय एक सेंटेंस बोला, एक शब्द बोला, आप भी बोले, मैं नहीं बोला तो आप मेरी बदला, इनके बदला मेरे से लेंगे, मैं किसी का, आप इनका बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे आप राहुल गांधी तरह बिहेव करना बंद करिए, बाल सफेद हो गए हैं राहुल गांधी तरह बिहेव करते हैं, क्या राहुल गांधी चाहिए भगवान, सरस्वती जी और राहुल गांधी अलग अलग है, सरस्वती के बारे में आपने क्यों देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रहमानी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, इनका दो ही मसला था, एक मसला था कि सरिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जिस प्रकार से ये लेटेंट एंट्री इंडिया में सरिया का चाहते हैं, मैं दोनों को सुनने के बाद एक बड़ा हतप्रभ हूँ, तालिबान को बचाने की इतनी कोशिश क्यों है? आपने पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड है किसी भी कीमत पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापस लाना। आप अगर सोचते हैं कि सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है तो एम्बेसी खाली करके यहां क्यों लेके आई सरकार, सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएससी में क्यों बोला कि सरजमीन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आज दोनों से पूछ रहा हूं, आप अभी बताइए नोमानी जी ने गलत बोला, बताइए, आप में हिम्मत है तो बता के देखिए कि आपसे तीन सवाल पूछूंगा, आपसे क्यों नहीं पूछूंगा, आप राजा हैं, आप क्यों नहीं जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए, मैं आपको तीन सवाल तालिबानी स्कूल से पढ़ के आए, दूसरों को बोलने देते नहीं है, क्यों कर रहे थे आप? अमित जी मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं, तेहरान में तालिबान के साथ कंप्लीट कर लूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, कंप्लीट कर लूं संबित, नंबर एक, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड, क्या तालिबान महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ या नहीं? मुझे नहीं मालूम, इन्हें मालूम है तो डिबेट में क्यों बुलाया है,
एक सेकंड बैठिए। मैं मानता हूँ आपका गुस्सा है रहमानी साहब की तरफ। एक सेकंड अपना नाम बताइए और अपनी बात करिए। एक सेकंड सर भाई साहब प्लीज बैठिए ना। मैंने सबसे पहले ये मैं बताऊँ कि मैं एक अफगान मुस्लिम महिला हूँ। एक सेकंड मुस्कान लेडीज महिला हूँ। मुझे कहने दे, इन्हें तो सुने। मुझे कहने दे, इन्हें तो सुने। क्या मैं एक आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक अफगान लेडीज हूँ। सर आप इस उनको बोलिए। मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहाँ आ रही हूँ और जा रही हूँ। कभी मैं नंगा नहीं घुमा फिरा, कभी मैं कोई गलत मुस्लिम वाले जो बगैर होते वो ऐसे काम नहीं की। कौन सा सूरह में, कौन सा आयत में, कौन सा कुरान के कौन का ऐसे में ऐसे बुला दिया, बता दिया गया। प्लीज सुन लो, प्लीज आप देखो इसका, देखो इसका हुलिया, देखो इसका हुलिया, देखो नहीं कौन सा कुरान में लिखा, कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह ज़बह करो। लिदीस को नहीं, आप शरिया का बात किया, आप शरिया का बात किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी जात पे गौर नहीं करता, और आज भी अगर वो ये करेंगे तो उनकी मुखालफत है। आप एक मुस्लिम हो, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा सूरह कौन सा आयत में आया है वो प्लीज बोलो और तर्जुमा करो। आप प्योर मुस्लिम हो। मैंने कहा क्या ये हंसने की जरूरत नहीं है, इनकी पीड़ा पे हंसने की आवश्यकता है। बिल्कुल अब बैठिए। तालिबान महिलाओं को मारती है कि नहीं मारती है, मारती है कि मारती नहीं है महिलाओं को, महिलाओं पर अत्याचार करती है या नहीं करती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है या नहीं बताने से। और आखिरी सवाल, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। मोदी जी ट्वीट करेंगे तो ये बोलेंगे, मोदी जी तो ये भी ट्वीट नहीं करते कि आप सांस लो, ये सांस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, मोदी जी तो ये ट्वीट नहीं करते हैं घुसखाने जाओ, ये घुसखाने चले जाते हैं। किसी पीड़ित से यह पूछना कि हमें तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ आपके सामने है। दूसरी बात, आपने मांगा प्रूफ नहीं, काहे का आपने मांगा प्रूफ। मैंने तो कहा कि आपने मांगा प्रूफ, इल्जाम नहीं लगाया मैंने, कहा मैं किसी को पर इल्जाम नहीं लगा रहा। देखिए मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार करती है, इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमारी जो बहनें अफगानिस्तान की है उन्होंने जवाब दिया। आप देखिए मैं अभी दूसरा सवाल पूछूंगा रहमानी साहब से, रहमानी जी भारत में क्या महिलाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार करती है? अभी उछल के बोलेंगे हाँ करती है मुझे पता है करती है, मगर तालिबान का इनको पता नहीं है। सुनिए दूसरी बात अफगानी ये रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है तालिबान जिस प्रकार से वार्ता कर रही है वहाँ बच्चों के साथ, स्कूल को लेकर कि स्कूल में पढ़ना को एजुकेशन नहीं हो सकता, लड़की लड़के एक साथ बैठ नहीं सकते, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? मुझे अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए, इसी सवाल सवाल जवाब आप दीजिए, ये अच्छी बात है? हमारे देश में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं 90% स्कूल मॉर्निंग में गर्ल्स शिफ्ट चलती है, अच्छा, इवनिंग में बॉयज शिफ्ट चलती है सारे देश में। गवर्नमेंट के स्कूल कोएड नहीं, प्राइवेट स्कूल ज्यादातर कोएड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कोएड, ये ऑप्शनल है। नहीं ऑप्शनल, तालिबान ठीक कर रही है गलत कर रही है? तालिबान ठीक कर रही है गलत कर रही है? जो हमारे देश में जो चलन है, अच्छा तालिबान ठीक कर रही है गलत कर रही है? वो बिल्कुल बिल्कुल आपको उनका ठीक है, वो उनका तरीका है, वो उनका तरीका है। अफगानिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप? भारत को अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक विषय पे बात, भारत हो गया, आपने जवाब दे दिया, अच्छा है, मल्टी रेशन, अच्छा अच्छा लिंगुअल है, मल्टी रिलीजन, अच्छा है, आपने जवाब, अफगानिस्तान मल्टी रेशन नहीं है, मल्टी रिलीजन नहीं है, ठीक है रहमानी साहब, आपने जवाब दे दिया कि वो तरीका है, भारत में भी नहीं है, ऐसे जवाब दे दिया। तीसरा मैं एंड कर रहा हूं, जी जी समझे, तीसरा जिस प्रकार से महिला एंकर वहां न्यूज नहीं पढ़ सकती है और गोली लगा करके जो एंकर न्यूज पढ़ रहे हैं वो आप उससे सहमत हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्या नहीं करते? तालिबान ठीक कर रही है गलत कर रही है? 96 तक जो कुछ तालिबान ने वहां किया, क्यों बोला अभी ये 96 का नहीं है, ये परसों का है, हम सबसे बड़े मुखालिफ है, फिर ये बयान का मुद्दा थोड़ा हम उसके, हमने अमीश जी इन्होंने एक बार भी तालिबान की मुजम्मत नहीं की, एक बार भी नहीं किया, आपने
आपने नहीं की, आप सरकार है आपने नहीं की है। आप बोली ना आप कहिए आप तालिबान के रूल को वहां पर आपको बोलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये रूलिंग पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हम भी है डिबेट में इस तरीके से नहीं होता। पूछ रहा हूँ तालिबान ये गलत है, तालिबान हमेशा गलत है, ये गलत तरीका तालिबान की सरकार के खिलाफ जाने का समय है। वो भी हम दोनों भी रुके हैं पैनल में, पूछ रहा हूँ कि आप खड़े हो गए तालिबान के खिलाफ, हमारी सरकार खड़ी हो गलत है, अरे हमारी सरकार इंसानियत के साथ खड़ी है, आपको दिखाई क्यों नहीं देता, आपको दिखाई क्यों नहीं देता। मैं पूछ रहा हूँ इनकी बात ऐसी आप बहुत भेजेंगे, बहुत भेजेंगे आप अफगानिस्तान में डिबेट हाईजैक कर रहे हैं, डिबेट हाईजैक कर रहे हैं, डिबेट हाईजैक पानी 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 आप कहिए तालिबान टेररिस्ट है, सरकार कहे कि तालिबान टेररिस्ट है, कसम है बोलिए प्लीज प्लीज ये क्या तरीका है। अभी सबमित ने दो तीन सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता है कि नहीं करता है, और मेरी आंखों में वो 12 साल की 10 साल की लड़की बैठी है, उस 10 साल की लड़की को आज अधिकार नहीं है अफगानिस्तान में अगर होती कि वो अपने जिंदगी को बसर करे जैसे करना है स्कूल जा सके, यहां बैठी है तो वो खुले आसमान में बैठी है डिबेट में है, मास्क निकाल कर भी बात कर सकती है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप क्योंकि वो एक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं आप उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे। और दूसरा सवाल, मैं आज इस डिबेट में नसरुद्दीन शाह ने दो बातें कही, उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है, तो आप मानते कि नहीं मानते, उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते। सर मेरी बात पूरी नहीं, सर प्लीज मैं बैठ जाऊंगा डिबेट में नीचे, ऐसा नहीं अमीश जी ये तरीका नहीं है, मैं डिबेट में और भी चीख सकता हूँ, मैं खुद भी प्रेजेंटर रहा हूँ, मुझे चीखना नहीं है। पर अब उन्होंने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा सदियों का वैश्य, सदियों के वैशीपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद मैं नहीं करने आया, इनकी बंडली करती थी, मैं क्यों करूंगा, इन्होंने किया, आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते। हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते, ये लोग देखे हैं वैशीपन, उन्होंने देखा है भुगता, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी, बातचीत की मान्यता दे दी, मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करना होगा, यही चीज भारत की सरकार ने किया। ठीक है शोएब जमाई, आप अपनी बात को रखिए, देन मैडम आपका सवाल, आपका पहले आपका सवाल, आपका सवाल शोएब जमाई से ही है, एक सवाल जल्दी। मेरे एक क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 इयर्स जो गंदा आ रहा है कि गन के साथ, आप रेडी हो अपने हैं बहन और बेटी को उनको देने के लिए निकाह के लिए, आप रेडी हो? मैं जाके उसके साथ, मैं उसके साथ जाके लड़ूंगा, भाग के नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा उसको, मर जाऊंगा या मार दूंगा। हम लोगों को मजबूर किया है, आज उसने जो प्लेन से गिर गया वो इसका मतलब नहीं था कि उसने प्लेन नहीं देखा था, उसने प्लेन देखा था, 4 बार उसने बाहर कंट्री में गया था, लेकिन मजबूरी में उसके डर से और पाकिस्तान की वजह से और ऐसे आप लोगों की वजह से जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, तो खाली है ये इस्लाम नहीं, क्या बात है जब ये बोल रही है रहमानी साहब, आज मैं कहना चाहता हूँ ये जो बोल रहे हैं कि आंखों में आंसू है, बताइए। और एक सेकंड भाई, इन्होंने जो सवाल पूछा वो बड़ा बड़ा मूलता बड़ा बड़ा, आप जब भी अपना दर्द बता रहे थे भारत आप मुस्कुरा रहे थे, ये वैशीपन के साथ आप क्यों है? जो 20 सालों से इन्होंने दर्द सहा है मुझे उसका बखूबी अंदाजा है, और जो इनकी पीड़ा है वो मेरे दिल की पीड़ा है। आप नहीं समझते कि मेरे दिल के अंदर क्या इनके लिए यहाँ से पर मुस्कुराता सुन पीड़ा में मुस्कुराता कौन है? अरे सुन पीड़ा में खुश कौन हो? सुनिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप पीड़ा में मुस्कुराए, ये महिला अपनी पीड़ा बता रही थी, आप मुस्कुरा रहे थे, पीड़ा में कौन मुस्कुराता हुआ आपको दिखता है? सुन लीजिए दर्द में कौन मुस्कुराता है कि मैं खुश हूं मुझे दर्द हो रहा है? आपने मुझे पीड़ा बोलिए 40 सेकंड बोलिए, एक मिनट बोलिए। मुझे इनका दर्द इनकी पीड़ा की समझ थी, इसलिए शोएब जमाई शाहीन बाग आंदोलन में शाहीन बाग अफगानिस्तान के बीच में कहां से आ गया बताइए, एक मिनट अफगानिस्तान के बीच में मैंने नहीं बोला, तालिबान के बीच में शाहीन बाग के बीच, देखिए
आज सीएए का महत्व मालूम पड़ रहा है, इनके बीच में नहीं आज सीएए का महत्व मालूम पड़ रहा है। नहीं ये बीच में बोल रहे थे, आज सीएए आज सोएब भाई को और आज रहमानी जी को हम माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोला था इन्होंने, झूठ बोला रहमानी साहब एक मिनट, हमने सरकार से यही मांग की थी कि आप सीएम अमेंडमेंट कर करके इन अफगानी मुस्लिम नागरिकों को भी भारत में आने का रास्ता दे दीजिए, जिसका विरोध ये आपके साथ नहीं है, ये बीजेपी वाले आपके खिलाफ है, उन्होंने आपका रास्ता रोक लिया था। जवाब सुनिए, इसलिए हमने देश में इतना बड़ा आंदोलन किया है। अब अगर आप, मैं संबित भाई से कह रहा हूँ, अगर आप, वो आपको उनका जवाब दीजिए, आप हमदर्द हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, सुनिए ना, आपको कुछ बोल रहे हैं, अरे छोड़िए ना, छोड़ कैसे दें, छोड़िए कैसे, छोड़ कैसे दें, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर आप हमदर्द होगा, नहीं होगा, सीएम अमेंडमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, हमदर्द कौन है, ये आपके हमदर्द अमेंडमेंट नहीं होगा, आप ये बोलो, अभी अफगानिस्तान के कोई इंडिया का आतंकवादी किया, आप तो सुनो, एक सेकंड, ठीक है आपने अभी बात करा था, नहीं बहुत पर्टिनेंट सवाल है, मैंने कहा मोदी जी का ट्वीट कहाँ है तालिबान के खिलाफ, सिंगल ट्वीट अगेंस्ट तालिबान और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आई हैवंट सीन, he has not referred them as a terrorist, chal rahi hai, I'm asking the question, sir, main jawab de raha hu, sabhi bol raha hai, kyun nahi hai, theek hai samit patra bolenge, theek hai samit patra, aap sanshodhan karke afghani nagrikon ko de dijiye yahan pe manyata, matlab unko citizenship, yahi to hamari demand thi, modi ji ke tweet karne se sab kuch hoga na, kaun inka hamdard hai, meri charcha mein aisa nahi hota, इसके लिए हमने 102 दिनों तक आंदोलन किया, अरे आप तो हाफिज सईद को मिले आएंगे, चिंता मत करिए, इनके लिए हमने यहाँ से लाठियां खाई, लाठी इनके लिए हमारे लोग जो हैं आज भी जेलों में बंद हैं, आप अफगानी अधिकार, आप तालिबान क्या बोले जा रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, अभी तालिबान का समर्थन कर रहे थे, आपने अभी बोला कि देखिए इनको नागरिकता नहीं मिल रही, इसको नागरिकता मिल रही है, लेकिन देखिए जो आवेदन देगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन तालिबानियों को नागरिकता भारतवर्ष में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। समित पात्रा बाप बोलिए, अब आप बोलिए, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, समित पात्रा बाप बोलिए, अमित भाई आपने, समित जी, समित जी बोला, समित जी आप बोलिए, अमित भाई, अमित भाई प्लीज मैं बात कर लूं, क्या बातें कर, अमित भाई दो चीजें यहाँ पर ध्यान देनी होगी, अभी शोएब भाई ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सबको नागरिकता मिले, और मुसलमान भी बहुत डरा हुआ है अन्य देशों में, मुसलमानों की हालत भी बाकी देशों में खराब है, वो यहाँ आना चाहते हैं इंडिया में, इन्होंने एग्जैक्ट फ्रेज यूज़ किया, आप देख लीजिएगा कि मुसलमान भी डरा हुआ है, मुसलमान भी परेशान है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान में अगर मुसलमान परेशान है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, और मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशानी में कहीं है तो हिंदुस्तान में, इन दोनों ने आज ये एकदम चिल्ला रहे हैं कि नागरिकता दो, मुसलमान कहीं आना चाहता है तो हिंदुस्तान में, देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम सवाल उठाएंगे, देश में कहीं पर यहाँ से तालिबान इंसानियत की लिंचिंग करना हमारा बोलो, अरे पूरी विपक्ष दस सेकंड से डिबेट नहीं हो पाए, क्या बात है, देखिए क्या मैं मॉब लिंचिंग को सपोर्ट कर दूं, अच्छा जाने दो, समय 10 सेकंड बात कर लीजिए, होगा ना सर, लेकिन आप उसको यहां से अफगान के नागरिक से जोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के मुसलमान से जोड़ रहे हैं, अमित भाई क्या मजाक, शोएब जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए, एनार्किज्म है, ऑडियो डाउन है, आप ऑडियो डाउन है, अब एक समय आपका ऑडियो खुला हुआ है, 10 सेकंड आप बोलिए, देन तस्लीम ने मानी, देन शहजाद पूनावाला बोलिए, अमित भाई इनका मानना है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से मुस्लिमों को यहां पर आप नागरिकता दो, क्योंकि यही उनका सेफ हेवन है, जबकि यही लोग कहते थे कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनसेफ भारत में। दूसरी बात, रहमानी साहब ने इन हमारे भाई बहनों से सवाल किया कि आपको आखिर भारत ने दिया क्या, सोचिए जरा, खाते इस देश का है और फिर भी इस देश के विरोध में इतना जहर, भारत ने क्या दिया, आप इनसे पूछिए भारत ने क्या दिया है, सेफ्टी, हमारी बहन ने सेफ्टी कहा,
हमारी बहन ने कहा, बताइएगा, हमारी बहन ने कहा इनको डेमोक्रेसी दिया, इनको यहाँ सर उठा के जीने का हमने आज सवाल, इन्होंने क्या पूछा कि भारत ने आखिर आपको 10 मिनट क्या मैं बोलूंगा 10 सेकंड क्यों नहीं बोलू मैं, आपने जो सवाल पूछा कि आप दोनों भारत ने क्या दिया, क्या दिया, अरे खाद्य इस देश का है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, भारत ने क्या दिया, ठीक है, भारत ने क्या दिया, पूरे आलम में इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, अमेंडमेंट नहीं होगा सीए में, अमेंडमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये रेफ्यूजी है, रेस्पेक्टेबल रेफ्यूजी है, इनके लिए हिंदुस्तान सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी, कौन बोल रहा है, जीवन बचा करके हमने रेफ्यूज दिया है, आप तालिबान के साथ खड़े होकर अभी आप कह रहे हैं तालिबान तालिबान महिलाओं को मारती है कि नहीं मारती है, मारती है कि मारती नहीं है महिलाओं को, महिलाओं पर अत्याचार करती है या नहीं करती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है नहीं पता नहीं है, और इन्होंने आखिरी सवाल, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, मोदी जी ट्वीट करेंगे तो ये बोलेंगे, मोदी जी तो ये भी ट्वीट नहीं करते कि आप सांस लो, ये सांस क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मोदी जी तो ये ट्वीट नहीं करते हैं, गुसलखाने जाओ, ये गुसलखाने क्यों चले जाते हैं, मोदी जी ने ट्वीट किया था गुसलखाने जाओ, क्यों गुसलखाने कर रहे हैं, देखिए मेरे पास आखिरी एक मिनट है, ओके 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड आपके, बोलिए, मैंने बहुत सीधे पूछा था इन तमाम भाई बहनों से, ये आते जाते रहते हैं, आपके पास रिफ्यूजी कार्ड है, उन्होंने फरमाया रिफ्यूजी कार्ड है या आपके पास सिटीजनशिप है, जो अरे कुछ भी है प्रोटेक्टेड तो है, आप तो तालिबान का समर्थन कर रहे थे, आपने इनसे पूछा इंडिया ने क्या दिया आपको, शर्म नहीं आई ऐसे पूछने में, मालूम हो गया शर्म नहीं आई, स्टेटस है और ना ही सिटीजनशिप का स्टेटस तो मिल ही नहीं सकता। अमीश जी आज जो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो ना रेफ्यूजी स्टेटस ना सिटीजनशिप में फंसे हुए हैं, वो चाह रहे हैं सुरक्षा जो उनको भारत ने दी, वो चाह रहे हैं लोकतंत्र जो भारत ने दिया, वो चाह रहे हैं सम्मान जो भारत देता है, और वो चाहते हैं कि हर एक इंसान उनके दुख को पहचाने, पर यहाँ पर कुछ बैठे लोग तालिबान को बचाने के लिए इतने उत्सुक है कि उनके दुख पर कभी उनको हंसी आती है और कभी उन महिलाओं को पूछते हैं कि सबूत बताओ कि तुम्हारे साथ अत्याचार क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये अगर इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है तो इस शरिया के हर एक खिलाफ हर मुसलमान है, क्योंकि ये आपका तालिबानी शरिया है और हम जो चाहते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरिया है, तो आप कभी उसको अपनी गंदी जुबान से निकालना मत। और दूसरी बात, मैं बात पूरी कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मेरा समय है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जहां तक सवाल है भारत के दोहरे रवैये की, मैं कहता हूं भारत ने कौन सा दोहरा रवैया अपनाया है, भारत का एक ही रवैया है और वो रवैया ये है कि इंसान होकर इंसान की जो अहमियत है उसको सिर्फ यहाँ पर भारत में शरण मिलती है, परंतु दुख की बात यह है कि अफगान से बैठे हुए लोग भारत की प्रशंसा करते हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग भारत की बुराई करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतीयों से, इस जैसे भारतीयों से कहीं ज्यादा ये अफगानी हमारे भारतीय हैं, ठीक, मैं मानता हूँ इनको भारतीय, मैं मानता हूँ कि आपसे ज्यादा भारतीय हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते ये महिला मुझे कह रही थी कि मैं आखिर में बोलना चाहती हूं, मुझे मौका देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप चारों को और खास तौर पर रहमानी साहब और शोएब जमैया आपको ध्यान से सुनना चाहिए, 30 सेकंड इस महिला को सुने, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा सबसे पहला कहना ये कि भाई का नाम नहीं जानती हूं, पर इससे मुझे तस्लीम रहमानी, ये जो सफेद कुर्ते में है, हां रहमानी, ये मुझे जवाब दे, इन्होंने कहा कि आप लोग क्यों वहां लड़ने के लिए नहीं रोका, क्यों आपका फैमिली के, अपने फैमिली के साथ वहां से यहाँ आया, आप जैसे इन्होंने कहा कि आप कुछ दिन वहां रहकर आ जाओ कि इनके साथ क्या होते हैं, यहाँ वहाँ आपको पता है कि लेडीज के साथ रेप होते खुलेआम सड़क में, फुटपाथ में, उसका बाप उसका भाई आराम खड़े होकर देखते, ये मुस्लिम है, उर्दू यही पाकिस्तानी जबान में। और दूसरी बात, अफगानिस्तान में नहीं नहीं वन सेकेंड, 4 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ डर के मारे से यहाँ क्यों आया, वो डर के मारे इसलिए आया कि जितना मीडिया में आप जितना यूट्यूब में देखते हो हमारा सारा कुछ जो है पाकिस्तान लेकर जाके हमारा जैसे कीमती पत्थर लेकर जाते वो सब यूट्यूब में आया है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि इससे इससे बेहतर
निष्कर्ष, इससे बेहतर निष्कर्ष किसी चर्चा का नहीं हो सकता कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको तालिबान पर शक भी है, वो आतंकवाद वहां पे फैला रहा है। वो कुछ दिन जरूर बिताए तालिबान में। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारिए तालिबान में, जरूर जाइए तालिबान में। जिनको लगता है कि तालिबान में बड़ा अच्छा माहौल है, उस अच्छे माहौल को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ छुट्टियों पर जाए, अगर वापस आएंगे तो मुलाकात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग ये ढोल पीटते थे कि हिंदुस्तान में अकलियतें बहुत डर के माहौल में रहती है, अब वो नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि कहीं अगर शांति है तो हिंदुस्तान के अंदर है। सच को समय लग जाता है, लेकिन वो सामने पटल पे आ जाता है और डंके की चोट पे आ जाता है। जय हिंद, नमस्कार।